नाम है शिवांगी एंड वेलकम टू द चैनल द ऑप्शन बॉक्स। तो जैसे हम लोग आपके साथ हर हफ्ते फाइनेंस से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करते हैं, और अभी हम लोग सीरीज कर रहे हैं थीम स्टॉक्स के बारे में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग, जी इंजीनियरिंग थीम स्टॉक के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट पे जाके आप वर्चुअल मनी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और रियल मार्केट में जाने से पहले वहाँ पे अपना स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हो, और लाइव मार्केट में ट्रेड करके देख सकते हो कि यू नो एक्चुअल मार्केट में जाओगे तो लॉस कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ऑल्सो जब आप एक ट्रेड करते हो तो उसके साथ आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं, एंड अगर आपके पॉइंट ज़्यादा होते हैं तो आप प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो गोल्डन मौका है यार, दो चीज़ें मिल रही है, प्राइज भी मिल रहा है, साथ में सीखने का मौका भी मिल रहा है, ताकि एक्चुअल मार्केट में जाओ तो कभी धोखा ना खाओ और लॉस ना कमाओ। तो इसलिए ज़रूर एक बार जाकर चेकआउट कर लेना, लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। तो अगर अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंजीनियरिंग थीम स्टॉक्स के बारे में। सो इंजीनियरिंग सेक्टर इज अ सप्लायर फॉर मेनी अदर सेक्टर्स एंड इंडस्ट्री सच एज केमिकल, ऑटोमेटिव, शुगर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। तो काफ़ी सारे मेजर सेक्टर्स का इंजीनियरिंग सेक्टर एक सप्लायर है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग सेक्टर इंडिया का एक लार्जेस्ट इंडस्ट्री भी उभर के आई है, जिसके साथ ही 63% जो इंटरनेशनल कोलेबोरेशन होती है वो इंजीनियरिंग सेक्टर के थ्रू होती हैं। अगर हम लोग बात करें PMI की, तो PMI इंडेक्स जो था वो 2021 में 48 पे आ गया था, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। मतलब कि उस टाइम पे एक तो पेंडेमिक था, उसकी वजह से इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा यू नो एक बैक देखने को मिला, एक गिरावट देखने को मिली। लेकिन 2022 में हम लोग फिर से 50 रेंज के ऊपर आ चुके हैं। तो 50 या 50 से ज़्यादा की रेंज जब होती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो दोबारा से रिकवर कर रही है, गुड पेस पे जा रही है। अगर हम लोग बात करें अभी के सिनेरियो की, तो जो ये ग्लोबल टेंशन चल रही है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो इसने इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। बिकॉज एक तो ऑयल के जो इम्पोर्ट के जो प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, साथ ही साथ इन्फ्लेशन आ गया, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में भी डिस्करप्शन हो गई। तो एक तो प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, दूसरी तरीके से हम लोगों की ऑयल महंगा हो गया, सप्लाई चेन डिस्करप्शन हो गई, जिसकी वजह से इस सेक्टर को एक काफ़ी सेटबैक देखने को मिला। एंड कह सकते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी और कुछ अमाउंट ऑफ ट्रेड जो था वो इसके लिए डिफ़िकल्ट हो गया, लेकिन इसने काफ़ी हद तक अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश की। और साथ में हमारा जो IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, जो मार्च 2022 में 2.2 पे था, वो 7.4 में था इन अप्रैल। सो एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है, एक सस्टेनेबिलिटी दिख रही है। इसके साथ ही जो IIP है वो कैपिटल यूटिलाइजेशन के मामले में या प्रोडक्शन कैपेसिटी के मामले में भी Q3 में इट वॉज 72.4 इन 2022, बट इट वॉज इन Q4 में ये 74.3 तक पहुंच गया था, विच इज़ ऑल्सो शोइंग अ सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ। लेकिन एक और प्रॉब्लम है दैट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, एक तो हम थोड़ा पीछे चले गए, एंड दूसरी चीज़ ये थी कि उसके बाद से जो ग्लोबल टेंशंस क्रिएट हुई, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर कहे, चाहे वो हम लोग चाइना के साथ हमारे रिश्ते की बात करें, तो उस वजह से इस सेक्टर को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि नेस्को है, इंजीनियर्स इंडिया है, तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से ही अपने टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए, उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखते हुए, उनका इन्वेस्टमेंट स्कोप देखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हुए, उनके रिकवरी रेट को देखते हुए, उनके फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए, आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि किस सेगमेंट में, किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। साथ ही अगर हम लोग बात करें, तो जो छोटे प्लेयर्स थे उनको पेंडेमिक की वजह से एक रिकवरी पैटर्न में उनका काफ़ी ज़्यादा स्लो रहा है, बिकॉज एक तो उनका सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ, एक तो इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर पाए इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा बैक ज़्यादा देखना पड़ा। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ कि वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा रही हैं, ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट में लगा रही हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में लगा रही हैं, हर एक सेक्टर में देखा जाए, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग सेक्टर को एक फ़ायदा मिल रहा है। अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर एक्सपोर्ट ऑफ स्टील जो है उसको कम कर दिया जाए, और साथ ही जो पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिएट किया जाए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा यू नो कंट्रोल में आ सके, तो इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है।
तो इस सेक्टर के बारे में अभी तक तो हमारे पास इतनी जानकारी है कि आगे जाके फ्यूचर में एक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से ये लोग, जिस तरीके से इस सेक्टर ने ग्रो किया है और अपने आप को दोबारा से स्टेबल करने की कोशिश की है आफ्टर दी पेंडेमिक, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये सेक्टर काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा प्लान्स एंड पॉलिसीज क्रिएट की जा रही हैं जो कि दूसरे सेक्टर्स के लिए तो हैं ही, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए बात करें, तो इन सब इंडस्ट्रीज़ में भी जो प्लान्स एंड पॉलिसीज आ रही हैं वो इनडायरेक्टली इस इंजीनियरिंग थीम स्टॉक्स को, इस इंजीनियरिंग सेक्टर को हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर आपको कोई क्वारी है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और आपको एक स्मूथ सेल जर्नी तक लेके जा सकें, ताकि आप भी अपनी एक फाइनेंशियल जर्नी को सिक्योरली, एक रिस्क फ्री एंड अमेजिंग स्मूथ सेलिंग बोट की तरह सेल कर सके। तो थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, एंड ऑल्सो डू विजिट आवर वेबसाइट एंड आवर ऐप। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, डू नॉट मिस इट आउट। आई एम ऑल्सो नॉट मिसिंग इट आउट एंड लर्निंग ईच एंड एवरी डे न्यू थिंग्स, सो डोंट फॉरगेट टू मिस आउट दैट एंड फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। थैंक यू।